डिलीवरी बॉयज के ओवरहेड अखराजात को कम करने के लिए मुल्क की मारूफ ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस फूड पांडा ने पेंथेटाइट्स के साथ शराकत दारी कर ली। शराकत दारी का मकसद तमाम फूड पांडा मोटरसाइकिल सवारों को मुफ्त टायर्स और डिस्काउंट फराहम करना है। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। डिलीवरी बॉयज के लिए अच्छी खबर, मुल्क की मारूफ ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस फूड पांडा ने पेंथे टायर्स के साथ शराकत दारी कर ली। मोहदे पर दस्तखत की तकरीब फूड पांडा के ऑफिस डिफेंस में सजाई गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड पांडा फरहान खान, हेड ऑफ लॉजिस्टिक हैदर मलिक और हेड ऑफ राइडर एक्सपीरियंस शहरियार जुनेद तकरीब में शरीक हुए। COO पेंथे टायर्स लिमिटेड खुरम जावेद, GM मार्केटिंग एंड सेल्स आसिम अहमद आबरू, हेड ऑफ मार्केटिंग उस्मान मुख्तार गोंदल और ब्रांड मैनेजर उसामा इमरान ने भी तकरीब में शिरकत की। डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड पांडा फरहान खान ने कहा कि मौदे के मुताबिक पेंथर टायर्स फूड पांडा मोटरसाइकिल सवारों को आला मायार के टायरों के हसूल के लिए एक सस्ता हल फराहम करेगा। हम अपने राइडर्स को फैसिलिटेट करने के लिए उनके लिए ऐसे एवेन्यूज देख रहे हैं कि जहां पे हम उनको सपोर्ट कर सकें। आपको पता है कि इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, सो हम नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि जिससे हम उनके जो डे टू डे वर्क है उसमें हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। सो ये पार्टनरशिप भी उसी की एक कड़ी है। COO पेंथर टायर्स लिमिटेड खुरम जावेद का कहना था कि पेंथर टायर्स लिमिटेड पाकिस्तान में टायर, ट्यूब, लुब्रिकेंट, स्पेयर पार्ट्स के सरकर्दा मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स में से एक बन गया है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो फिलॉसफी है वो ये है कि एक कंपनी जो बहुत हैवीली मोटरसाइकिल्स को इस्तेमाल कर रही है उनको क्वालिटी प्रोडक्ट प्राइम की जा सके और वो हम गारंटी कर सकते हैं या हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं हमेशा से इस चीज़ का बिलीवर रहा हूँ कि हम कमोडिटी बिजनेस में भी वैल्यूडेशन कर सकते हैं। अगर अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से मार्केट कर लें, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर लें, तो उसके अंदर आप उसको वैल्यूएटेड बना सकते हैं, उसको प्रीमियम बना सकते हैं। फूड पांडा ने हमेशा अपने सवारों को महंगाई की लहर में ज्यादा से ज्यादा मदद फराहम करने की कोशिश की है। पेंथर टायर्स के साथ ये माहदा इस मकसद के हुसूल में एक और तामीरी कदम है।